या क्या हुआ, क्या हुआ? पास में कुछ हो रहा है। ये देखिए देखिए देखिए, ये किसी के हाथ का निशान। हाय मैं नाम है ओम और आज की वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी और कई लोग की वीडियो देख के मेरे को इतना बुरा लगा क्योंकि वो लोग को इतना पता नहीं है कि यक्षिणी होती क्या है। अगर देखो मैं पहले बोलता हूँ, ये एक डिस्क्लेमर की तरफ भी आप लोग ले सकते हो इसको, अगर मैं किसी के धर्म को वह किसी के धर्म को किसी के भगवान को कैसे प्रकार किसी भी प्रकार से मेरी बातों से या फिर मैं ये सब कुछ करके या फिर एक यक्षिणी देवी का नाम लेके कुछ भी कर रहा हूँ, अगर किसी भी बातों से ठेस पहुँचा रहा हूँ तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेरे को कौन सी बातें बुरी लगी जिसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कई लोग के मैंने वीडियो देखी, बोला कि यक्षिणी से मैंने पूजा कर ली, पूजा करके यक्षिणी को बुला लिया, उनसे मैंने शादी कर ली, यक्षिणी मेरे साथ रहेगी वगैरह वगैरह। मतलब 10-20 वीडियो ऐसी बनी पड़े हैं यूट्यूब पे, शायद उन लोग को नहीं पता यक्षिणी क्या होती है। यक्षिणी लाइक एक देवी होती हैं, उनकी पूजा की जाती है। अगर यक्षिणी आपसे खुश हो गई तो आपको पता क्या, वो आपको एक करोड़पति एक बहुत मालामाल भी कर सकती है। और हाँ, यक्षिणी की जब आप तपस्या कर रहे हैं उनके उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपसे नाराज़ हो गई तो वो आपकी जान भी ले सकती हैं। मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई होगी बट मैंने आज तक इंट्रो में कभी इतने टेक नहीं लिए क्योंकि मैं सोचता हूँ जब भी हम किसी धर्म के ऊपर वीडियो बना रहे हैं फिर कोई किसी देवी देवता के ऊपर तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं ये बोलूँ या ये नहीं बोलूँ, क्या कुछ गलत हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ फिर कट कर दे रहा हूँ। मेरे साथ प्रियंका वो कह रहा है ये गलत है वो गलत, मतलब कई चीज़ें हैं जो हम लोग आपस में सोच के बोल देते हैं बट हम इंसान हैं, अगर हमसे किसी प्रकार से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं आप लोगों से। तो ऐसा ही भगवान को देखना इन आँखों से पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। और तो थोड़ा बहुत हम कुछ करेंगे शायद, अगर जैसे जैसे कहते हैं ये मीटर रखा हुआ है, ये एक मीटर है, अगर हमारे पास कोई एनर्जी आती है वो देवी आती हैं तो इस मीटर पे भी कुछ वो काटा इसका इधर उधर होएगा। ये केटू मीटर में इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ की तरफ रख देता हूँ, अगर कोई देवी हमारी तरफ आती है तो इसको भी खाएगा। और ये मैंने छोटा सा एक रखा है, इसको कहते हैं कि इसको मैं बाहर की तरफ रख देता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी इसके पास बहुत जल्दी आती है, ऐसा कहा का जिन्होंने मेरे को सेंड किया, जिन्होंने मुझे भेजा उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये चीज़ें मैं अब मुझे क्या करना है, कैंडल जलानी है और वो मंत्र मुझे पढ़ना है। बट एक चीज़ मैं वो मंत्र वो नहीं बताऊँगा क्योंकि सभी लोगों ने वो होती है कि यार हम भी ट्राई करेंगे। सच बताऊँ तो ये कोई मजाक नहीं है, अगर आप ट्राई करते हो अगर वो आपसे खुश हो गई तो जो देवी हैं आपसे खुश हो गई तो आप मालामाल हो जाओगे, अगर आप खुद से खुश नहीं हुई आपसे नाराज़ हो गई तो मैं आपको ना इस दुनिया में उनसे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, वो है शिव शंकर जी, भोलेनाथ जी, तो उनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम में आप आ सकते हो, इसलिए वो मंत्र मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपने मन में पढ़ूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैंडल चला के आओ। दिल्ली से बाहर से होते हैं उन लोग के लिए बड़ा इजी होता है यार, उन लोग को ऐसी खाली जगह मिल जाती है बड़े, यार हम मेन दिल्ली में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगह पे जाना। और कहते हैं यक्षिणी जब भी हमको यज्ञ करते हैं तो हमें देनी होती है बलि, मतलब ब्लड देना होता है। तो मैं किसी जानवर की बलि देने से अच्छा मैं सोचा कि मैं इन देवी को इन देवताओं को जो देवी हैं मैं उनको अपना खुद का ब्लड दूंगा। तो उसके लिए करते हैं, मेरे पास है पिन, मैं निकालता हूँ ब्लड थोड़ा सा। यूट्यूब पर अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो ना देखें वीडियो, थोड़ा सा स्किप करें थोड़ी देर के लिए, 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए आप वीडियो आगे कर सकते हैं, थोड़ा सा आप 10-20 सेकंड आगे कर सकते हो। मैं बैठ जाता हूँ एंड यहाँ पे बैठ जाता हूँ, मैं चप्पल खोल ली है, एक बार प्रियंका एक बार हर तरफ दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे छिड़क दिया है, मैंने जो देवी
है, मैंने उनको खुद अपना ही ब्लड दिया है। ज़्यादा ही कट गया यार, ये रुक नहीं रहा ब्लड। एक मिनट, मेरे से मिट्टी लगानी पड़ेगी क्योंकि ब्लड रुक नहीं रहा है। ये ज़्यादा ही अंदर चली गई सुई, ये ब्लड रुक नहीं रहा है। तो मैं मन मन में मंत्र बोलूँगा अन प्रियांक और आप सभी लोग, अगर आप लोगों को पीछे या फिर आगे कुछ भी दिखे तो बताना ज़रूर। प्रियांक लाइक पीछे ध्यान रखिए और तरफ ध्यान रखिए, ठीक है? कुत्ते भौंक रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? पास में एक बार कुछ हो रहा है क्या? अबे हाँ ना, क्या यहाँ पे कुछ क्या है? जल्दी आ, देख कुछ है क्या? कुछ हो रहा है यार, ये बहुत जलन कर रहा है इस तरफ। गले पे ना निशान है। कैसा? जैसा पहले था ना उससे गहरा है, लेकिन कुछ दर्द हो रहा है क्या तुझे? मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। शायद तो जो देवी जो हैं मेरी इस पूजा से, पता नहीं उनको शायद कुछ तो नाराजगी हुई है। कैसा निशान है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गला दिया। अरे मेरे गले पे बहुत निशान आ रहा है यार। अगर मेरे पास कोई देवी है, कोई देवता है या फिर जो भी है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप इस गोले में ना आए, या आप इस गोले के अंदर हैं तो आप इस मीटर के पास आके आप अपने होने का एहसास करवाएं। आप इस गोले के बाहर हैं, जो ये गोला सा है, तो आप उस केटोमीटर हमने बाहर रखा है। देखो हमने दो चीज़ें रखी हुई हैं, टैंक दिखा, एक हमने गोले के अंदर रखी हुई हैं, एक गोले के बाहर रखी है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि अगर वो इस गोले के अंदर आती हैं तो जैसे मेरे को सिद्धि मिल जाएगी एंड मैं जो चाहूँगा वो होगा। अगर वो गोले के बाहर है तो मेरे पे नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो आप गोले के अंदर हैं या बाहर हैं, अगर आप गोले के अंदर हैं तो आप इस मीटर के पास आएँ। अगर आप गोले के बाहर हैं, आप देवी हैं, मैं आपकी बहुत बहुत पूजा करता हूँ, मतलब देवी हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत है, आप हमारी देवी हैं, आप मुझसे नाराज़ हैं तो मैं उससे माफ़ी भी चाहूँगा। बस एक बार अपने होने का एहसास करवाएँ। अगर आसपास कहीं हैं तो उस मीटर के पास आके अपने होने का एहसास करवाएं। प्रियंक 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 चालू, देख लाइट जल रही है, बंद हो गई क्या? आप अगर थोड़ी लाइट कम करता हूँ, ठीक है? कम कर। हमारी देवी, आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर आप
आपको मैंने यहाँ बुलाया, आप गुस्सा है मुझसे, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक बार आप दोबारा उस मीटर के पास आइए जो आपको दिख रहा है। ये देवी की, यही हमारे पास एक तरीका है आपसे बातें करने का। पर अपने आप होने का एहसास करवाया, आप इस गोले के बाहर ही हैं। देवी के उस मीटर के पास आप दोबारा आएंगी, देवी के उस मीटर के पास आप दोबारा आएंगी। एक तो अगर कोई आत्मा होती है तो उसको बुलाना इजी होता है, बट जो देवी देवताओं होते हैं ना, उनको बुलाना बहुत मुश्किल होता है। वो हमारी बातें क्यों ही सुनेंगे। एंड वो एक बार तो उन्होंने शायद अपने होने का एहसास करवाया, गोले के अंदर तो नहीं करवाया जो ये गोला था बना रखा, बट हाँ गोले के बाहर उन्होंने करवाया केटोमीटर के। मैं चाहता हूँ यक्षिणी देवी जो हमारी हैं, मैं चाहता हूँ आप हमारे पास आएँ, आप हमें अपने होने का एहसास आपने करवाया है। बहुत मुश्किल होता है यार देवी देवताओं से कॉन्टैक्ट करना, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल, मुझे आज पता लग रहा है। कहते हैं ऐसे लोग देवी, बस एक लास्ट बार हम चाहते हैं आप एक बार उस मीटर के, ये जो लाइट जल रही है आप उसके पास आएँ देवी। अब मैंने चाहता कि आप इसके गोले के अंदर आएँ, पर देवी उस मीटर के पास तो आएँ जो आपको लाइट जलती हुई दिख रही है। ये तो भाई कुत्ता रो रहा है। देवी बस एक बार, मैं आपका भक्त हूँ, अपना भक्त समझिए, अपने अपना छोटा बच्चा, अपना बच्चा समझिए, और उस मीटर के पास आई देवी एक बार। ओ प्रियंक 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 प्रियंक, हल्की से लाइट मीटर में, मीटर में, मीटर में, हल्की से देवी एक बार और। देवी आपने अपने होने का एहसास करवाया। देवी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं ये सब इसका मतलब क्या है, मैं इसको दोबारा से वहाँ पे रखता हूँ। और ये बहुत अजीब सा हो रहा है कि ये मेरे पास कैसे आया। कोई तो है, ओए प्रियंक 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 प्रियंक, कैप्चर हुआ, कैप्चर हुआ नहीं, ये लिखने बाहर कैसे गिरा। अरे वो की मैं मन करता हूँ और मैं चलता हूँ। कोई तो है जो अपने स्ट्रॉन्ग अपने होने का ऐसा करवा रहा है। मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि भूतों से निपटना तो बहुत मुश्किल है, भगवान से तो ज़्यादा मुश्किल है। भगवान से, भूतों से मुझे निकलना मुश्किल नहीं है, बट भगवान से मैंने आज तक कभी पंगा नहीं लिया। ऐसे देवी देवताओं से कभी नहीं, और तो देवी नहीं है। लास्ट वर्क करते हैं, अगर तो फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, फिर से मंत्र का जाप करता हूँ और देखते हैं इस बार। फिर से आ गए इधर, ये कैसे मूवमेंट हो रहा है इसमें, ये गोले में क्यों आ रही है, ये चीज बार बार गोले में क्यों आ रही है। कैसे हो रहा है यार ये, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या है ये, अरे ये तो वही निशान है जो तेरी गर्दन पे था। दिखा 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 सारे सर, दिखा दिखा दिखा, थोड़ा घुमा, थोड़ा घुमा हाथ, इधर इधर नीचे की साइड, नीचे की साइड, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये किसी के हाथ का निशान लग रहा है मुझे। यार बंद कर ये सब चीजें यार, बहुत रिस्की है। क्योंकि यार इससे ज्यादा रिस्क लेना मेरे को बस की नहीं है, क्योंकि हम ना पता क्या होता है, हम भूतों पे तो कर लेते हैं। मैंने देवी देवताओं पे पहली बार ट्राई किया था, एंड ये सब ट्राई, और सबसे बुरी चीज़ पता है क्या, आज पहला नवरात्रा है तो नवरात्रे के टाइम ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो मुझे अब लग रहा है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा देती हैं आपको। और नवरात्रे के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही काला जादू, तो जादू होता है आप सभी लोग को पता होगा। जो भी था बड़ा गंदा था, वो जो
जो भी एहसास था, मैं वो देवी को गंदा नहीं बोल रहा हूँ, जो एहसास था वो बहुत गंदा था। देवी अपनी जगह सही है, शायद उनको मेरा तरीका पसंद ना आया हो या फिर मैंने कोई गलती की हो जो उनको अच्छे ना लगे हो। तो मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, मैंने सब कुछ मिटा दिया है, वहीं चेहरे दिखा दे प्रियंक। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो को बस लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना प्यार सा कोई सा भी। एंड यक्षिणी एक देवी हैं, एक परी हैं, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। हमेशा तो नहीं है कि कोई देवी हमें देवी लाइक वो परी हैं उनको हमेशा वो हमसे पूजा करें या फिर हम उनकी पूजा करें तो वो हमसे खुशी हों। शायद कोई या फिर एक चीज़ ये भी हो सकता है कि मैं बहुत गलत जगह बैठा हूँ, बगल में शमशान घाट की जगह है। शमशान घाट मतलब जो गांव का शमशान घाट होता है, जैसे गांव का शमशान घाट क्या होता है कि नदी किनारे लोगों को जला दिया जाता है और उनकी अंतिम संस्कार भी इधर की तरफ कर दिया जाता है। तो शायद उस जगह मैं बैठा हूँ तो इसलिए भी ये शायद उनको बुरा लगा हो, या फिर कोई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो उनको बुरी लगी हों। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, देवी हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने सब कुछ किया उनको बुरा लगा हो तो। या दिव्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं यार, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती हैं। पहली बार में ही कोई देवता आपसे खुश नहीं होते, देवता आपकी परीक्षा बहुत लेते हैं। जैसे पहले टाइम के जो लोग देवता लेते थे, तो ये एक देवी हैं, उन्होंने मेरी परीक्षा ली, साथ ही सब करके कहीं मैं डर जाऊँगा, मैं डरा। पर आप लोग ये सब चीज़ें ट्राई मत करना कभी। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।